बाय 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 बाय। स्मिता, पापा आपको मोहित का बर्थडे याद था? हाँ बिल्कुल याद था। अरे डैड, अरे वो फ्लाइट कितने बजे? 2 बजे की फ्लाइट है, तुम अभी तैयार नहीं हुए? हाँ हो गया ना बाबूजी। बस बस, और प्रधान खुश है सब? और ये मिस्टर मोहित, ये किस पे गया है जरा देखे भाई। बिल्कुल आप पे गया है। हाँ पापा, जिस तरह हमें घूर रहा है लगता है बिल्कुल अपनी दादी पे गया है। अरे नहीं, आप पे गया एकदम। लो लो प्रधान, गिफ्ट लाओ, ये देखो दादाजी तुम्हारे लिए क्या लाए, तुम्हारे फेवरेट बिस्किट्स और खिलौने, पसंद है ना तुम्हें? ये देख क्या क्या लाए दादाजी। ये क्या निकला? गाड़ी? अरे क्या बन रहा भाई? मखाने की खीर। अब जब हमारी पसंद बनी रही है तो पसंद पूरी कीजिएगा, मीठा डालने में कंजूसी मत कीजिएगा। डायबिटीज कैसी है? कंट्रोल में है। तुम्हारी याद आती है शारदा? बात हाँ, जब नाराजगी ही दिखानी है तो कम से कम मेरी तरफ देखकर नाराज हो सकती हैं आप। इतना बुरा लगने लगा हूं मैं क्या? हाँ सच्ची है, मुझे तो अपना चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या देखकर शादी की थी आपने? तब ये चेहरा कुछ अलग था। ए प्रधान, ये ले। अरे स्मिता, देखो एक बात याद आ गई मुझे। शादी से पहले जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो सिविल लाइंस में जहाँ मेरे ससुर जी की दुकान हुआ करती थी, वहाँ सिर्फ काम करते थे। हाँ भाई पता है, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी पड़ेगी ना उनको, आफ्टर ऑल हमारे ससुर जी ठहरे। तो उस दुकान में हम इनसे छुप छुप कर मिलने जाया करते थे। और छुप छुप कर आते हो? बाद में जहीर खान। मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ शारदा, कोशिश करो कि तब तक मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर सको। ये जिंदगी मैंने अपनी मर्जी से नहीं अपनाई और जिस मुकाम पे पहुंचा वहां से वापस लौट भी नहीं सकता, तो जितना वक्त बाकी बचा है उसे तो हम एक साथ गुजार सकते हैं। चलो हम लोग सब कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ पापा, लेट्स गो मां जी, चलते हैं ना। चलो ना मां, चलते हैं। वीरेन साही, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक खौफनाक चेहरा, आज आईमैक्स में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड में उसका हाथ बताया जा रहा है। पुलिस महकमे का कहना है कि मौके वारदात पर वो मौजूद था। अंधाधुंध हुई इस गोलीबारी में एक बेगुनाह शख्स शेखर भाटिया भी मारा गया। जिसने भी मेरे बेटे को मारा है वो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो तबाह हो जाएगा, सारा परिवार उसका तबाह हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। उस हत्यारे को मुंह में पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए आप यहाँ आए थे, बोलते क्यों नहीं? अरे माँ, ये आदमी हम दोनों को मारना चाहता था, पहले भी एक अटैक करवा चुका है। चुप हो जाओ अभी, आप यहाँ से चले जाइए। अरे माँ तू क्या, यहाँ से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से।
पापी हूं पर परिवार वाला हूं। तुमने मेरा परिवार मुझसे छीना है। तुम्हारे भारी भारी उसूलों ने मेरी छोटी छोटी खुशियों को हमेशा दबाया है। मोहित का जन्मदिन मुझे याद नहीं था स्मिता, प्रधान ने मुझे याद दिलाया, कैसे याद रहेगा मुझे? आज तक मोहित ने कभी मुझे दादाजी कहकर नहीं बुलाया। मुंह से बोले ना बोले, रिश्ते में आप इसके दादा हैं, और इसी बात का डर है मुझे, कहीं आपके कर्मों का फल सिर्फ हमें ही नहीं, इस मोहित को भी न चुकाना पड़े।